सेकेंड क्वेश्चन क्या है? यस, हाइड्रोकार्बन्स। अभी पढ़े हो तुम लोग, हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं? जो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलके बनते हैं। यस, पर उसमें थोड़ी और चीजें ऐड कर लेते हैं, जरा आप चेक करो। और अगर आप कार्बन टू कार्बन बॉन्ड के बेस में अगर आप उसको डिवाइड करना चाहो तो आप उसको दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हो। अब इसको डिटेल में पढ़ेंगे। ओके, फर्स्ट वन इज सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एंड सेकेंड वन इज अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अब कहोगे सर ये तो पहले भी पढ़ लिया, अब इसको डिटेल में पढ़ेंगे। समझ में आ गया? अब आते हैं अपन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन पर। लिखिए सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो मैंने पहले ही कहा था मेरे प्यारे बच्चों, सैचुरेटेड मतलब जहां पर कार्बन टू कार्बन आपको सिंगल बॉन्ड दिखे, जो भी कार्बन है वो सारे सिंगल बॉन्ड बना रहा है, वहां पर डबल और ट्रिपल बॉन्ड उस कार्बन के साथ होने ही नहीं चाहिए, उसको हम लोग सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहते हैं। सबको समझ में आ गया? लिख लो एग्जांपल्स के केस में। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के एग्जांपल में आते हैं एल्केन। एल्क शब्द पकड़ना, एल्क, उसके बाद एन, ये शब्द पकड़ो बहुत इंपॉर्टेंट है। एल्क देन एन, और आप एन सफिक्स तभी लगाते हो जब आपके पास ये एन जो सफिक्स लगा हुआ है, ये तभी लगाते हो जब आप सिंगल बॉन्ड देखते हो, सारे के सारे सिंगल बॉन्ड देखते हो। सो फाइनली उनके एग्जांपल में एल्केन है, जिसमें पहला एग्जांपल आपको दे रखा है CH4 का, जिसको मीथेन कहते हैं। दूसरा एग्जांपल आपको दे रखा है C2H6 का, जिसको इथेन कहते हैं। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को एल्केन कहा जाता है। इज दिस क्लियर? और अगर कोई बोले कि एल्केन का जनरल फॉर्मूला बताओ, जैसे कि एल्केन में आपने किसको काउंट किया? CH4 को। फिर किसको काउंट किया? C2H6 को। तो जनरल फॉर्मूला क्या होगा? वो होगा CnH2n+2। ये जनरल फॉर्मूला है, ठीक है? एक का 2+2। समझ में आ गया? अब चलते हैं अनसैचुरेटेड की तरफ। जब कार्बन टू कार्बन आपको एटलीस्ट एक और डबल बॉन्ड या फिर एटलीस्ट एक ट्रिपल बॉन्ड देखने को मिले, तो उसको हम लोग अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहते हैं। और उनको हम लोग किस कैटेगरी में डालते हैं? अगर डबल बॉन्ड आता है तो उसको एल्कीन कहा जाता है। शब्दों को पकड़ो, दिस इज एल्क एंड देन ईन, ध्यान से पकड़ना ये शब्दों को पकड़ो। व्हाट इज दिस? ईन। ये कब लगाते हैं? जो कार्बन टू कार्बन एटलीस्ट एक डबल बॉन्ड हो, और या फिर उनको कहा जाता है एल्काइन। तो इस शब्द को भी तोड़ दो, दिस इज एल्क एंड देन आइन, YNE। ये देखो ये कब लगाया जाता है? जब कार्बन टू कार्बन एटलीस्ट एक ट्रिपल बॉन्ड हो। ये कब लगाया जाता है? जब कार्बन टू कार्बन एटलीस्ट एक डबल बॉन्ड हो, जिसको एल्कीन और उसको एल्काइन कहा जाता है। जैसे कि यहां पर एग्जांपल देखो एल्कीन का लिखा है, क्या लिखा है यहां पर? लिखा हुआ है C2H, अगर आप चेक करो कितने लिखे, चार हाइड्रोजन है, C2H4। यहां पर एल्काइन का एग्जांपल है, दिस इज C2H2। अब देखो मैंने एल्कीन का एग्जांपल लिखा, तो मैं आपको कहूं कि एल्कीन का जनरलाइज फॉर्मूला बताइए। तो एल्कीन का जनरलाइज फॉर्मूला होगा CnH2n। एल्कीन वो होती है जिसमें कार्बन जितने हो उसके डबल हाइड्रोजन होते हैं। चेक कर लो, यहां कार्बन कितने? दो। हाइड्रोजन कितने? चार, डबल होंगे। और एल्काइन उसे कहते हैं जहां पर कार्बन जितने हो उसके डबल में दो माइनस कर दो, अब 2n-2 हाइड्रोजन होते हैं, वो एल्काइन कहलाती है। अब कई लोग हैं ना यहां पर बायो वाले हैं, सर दिमाग लगाते हैं, सर आपने दो से मल्टीप्लाई करके दो माइनस कर दिया तो सर आप सीधे एन ही लिख देते। यहां पर एग्जांपल देता हूं, मान लो कि CH3 सिंगल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड CnCH3, ये अनसेचुरेटेड है, ये एल्काइन है, दिस इज एल्काइन। अब मैं कहता हूं यहां पर कार्बन काउंट करो कितने हैं, चार, काउंट कर लो कितने हैं, चार। मैं कहता हूं यहां पर हाइड्रोजन काउंट करो कितने हैं, तीन और तीन छह, गया आपका फॉर्मूला। समझ में आता है? मैंने क्या कहा था? मैंने कहा था कि जितने कार्बन होंगे उसके डबल के दो कम हाइड्रोजन होंगे। तो देख लो कार्बन कितने हैं, चार, चार का डबल कितना होता है, आठ, आठ में से दो कम हाइड्रोजन होंगे तो कितने होंगे, छह। ये है कहानी, अब समझ में आ गया?